हेलो गाइस, आज हम इसका कर रहे हैं रिव्यू। ये आ गई है हमारी एथर 450 प्लस और ये है 2023 मॉडल। सबसे पहले इसकी घटिया चीज़ बताता हूँ मैं, लेते ही आपको सारी तार काटनी पड़ेगी चार्जर की। देख लो दोस्तों, जुगाड़ करा हुआ है कि हमने तार काट के इसकी तार लंबी की है चार्जिंग के लिए। ये है एसर की क्वालिटी। अब इसके बाद वो दिखाते हैं, इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, एक कुछ चलता है कोई 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर, ये लगभग चलेगी 80 से 100 किलोमीटर। तो ये 80 से 100 किलोमीटर वाले वेरियंट है। उसकी पूजा वूजा करवा दी हमने, लड्डू लगवाए हैं। और इसकी क्या बताऊँ, हाँ एक इसमें रैप मोड नहीं है, पता नहीं वो क्यों नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। अब नेक्स्ट इसका हम दिखाएंगे इसको चला के कि कितनी तेज भागती है। अभी फिलहाल आपको मीटर का रिव्यू दिखाते हैं, चार्जिंग के टाइम क्या मीटर का रिव्यू। ये देखिए सर, इसमें अभी रेंज दिखा रहा है 39 किलोमीटर और अभी ये चार्जिंग टाइम इसका रह गया है 2 आवर 53 मिनट रिमेनिंग। 54% चार्ज है, अगर ये फुल चार्ज हो जाएगी तो 68 किलोमीटर चलेगी। और टाइम देख लीजिए क्या हो रहा है, मोटर अभी ऑफ है क्योंकि ये साइड स्टैंड लगा हुआ है। यहाँ पे आके ये 68 होगी और इससे आगे जाके और बढ़ जाएगी, मतलब ये कट है यहाँ तक आने पे ये 68% हो जाएगी, 68 किलोमीटर चलेगी। सॉरी, अब इसके आगे हमारे मेन पर्सन लीड करेंगे इस वीडियो में, उनका नाम है रोहित जी। हेलो गाइस, और दिखा रहे हैं इन्होंने ही ये एथर लिया है। ये हमारे सबसे हैंडसम एंड डैशिंग कस्टमर है यहाँ के। ये देखिए सर, अभी हमारी गाड़ी का नंबर भी नहीं आया है, फिलहाल आपको वैसे रिव्यू दिखा देते हैं कि लुक कितनी अच्छी आ रही है इसकी। लुक तो बहुत अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट। अभी ये जब चार्ज हो जाएगी इसके मीटर के फंक्शंस भी आपको बताएंगे। और इसका चार्जर देख लो, ये चार्जिंग के टाइम ये निकल नहीं सकता, ये लॉक हो जाता है। हाँ, ये सबसे मेन बात बताई उन्होंने, चार्जिंग के टाइम ये निकलेगा नहीं। और दिखाते हैं हमने क्या करा है इसमें, अपना जुगाड़ जो इंडियन करेगा ही करेगा, इसीलिए कंपनी वालों ने भी ये चीज़ दी है कि हमने यहाँ से चार्जिंग की वायर्स दे दी हैं, निकाल दी हैं और चार्जर हमने यहाँ कर दिया। एक गाइस और बताता हूँ, ये चार्जर साला गर्म बड़ा होता है यार, और ये यहाँ से इसके पंखे चल रहे हैं, हीट फेंक रहा है और यहाँ से ये वेंट अंदर ले रहा है, देख सकते हो इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल अगर मैंने इसकी सीट बंद करी हुई थी तो ये काफ़ी हीट कर गया, पर नो डाउट नो प्रॉब्लम, ये इतनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा कि कुछ ख़राब कर दे, क्योंकि अभी आउटसाइड खड़ी है तो बेस्ट तो यही है कि चार्जर अंदर रहे और सीट बंद रहे। थोड़ी बहुत वेंटिलेशन देगी, अगर यहाँ से वायर निकल सकती हैं तो एयर भी निकल सकती है। और इसके साथ एक मेडिकल टूल किट भी आती है छोटी सी, फर्स्ट एड किट। ये लॉक देख सकते हैं, ये रबर के कुछ लगे हुए हैं, थोड़ा सा नॉइस कम आएगा रखने में। और एक और अच्छी बात, इसके अंदर एक लाइट भी मिलती है आपको डिक्की के अंदर, जो रात को आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।